नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये है क्लास 11th का एक लेसन जिसका नाम है द एड्रेस, जिसकी राइटर है मॉर्गन मिंगो। दोस्तों कहानी तो शायद आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो एक मिनट में बताऊंगा। बेसिकली मैं कॉन्टेंट पर बात करूंगा। इस कहानी में लगभग 3.5 कैरेक्टर्स हैं, एक मिसेज एस, एक मिसेज डॉर्लिंग, एक मिसेज एस की बेटी, और जो आधा कैरेक्टर है वो मिसेज डॉर्लिंग की बेटी है, जो बहुत कम समय के लिए हमारे सामने आती है लास्ट सीन में। सो दोस्तों वर्ल्ड वार के दौरान ऐसा हुआ कि मिसेज एस को अपना घर छोड़कर नई जगह जाना पड़ा और वो अपना सारा सामान मिसेज डॉर्लिंग के घर छोड़ गई। ऐसा करने के लिए भी मिसेज डॉर्लिंग ने ही उन्हें कन्विंस किया। काफ़ी सालों के बाद जब मिसेज एस की बच्ची बड़ी हुई तो मिसेज एस ने उससे कहा कि तुम वहाँ जाकर इस एड्रेस पर, इसका नाम है हाउस नंबर 46 मार्कनी, वहाँ जाकर तुम अपना सामान ला सकती हो या फिर देख सकती हो। जब वो बच्ची वहाँ पहुँचती है तो वहाँ का नज़ारा कुछ बदला हुआ है। मिसेज डॉर्लिंग उसे पहचानने को ही तैयार नहीं है, और जब वे पहचानती भी हैं तो इस बात को नहीं एग्री करती कि मिसेज एस का कुछ भी उनके पास है। और जब मिसेज एस की बेटी दोबारा उस एड्रेस पर पहुंचती है तो इस बार मिसेज डॉर्लिंग नहीं मिलती, उनकी बेटी उसे अंदर बुलाती है, चाय ऑफर करती है, और तब वह बच्ची वहाँ के फर्नीचर को, वहाँ की क्रॉकरी को, वहाँ के स्पून्स को, टेबल को, टेबल कवर को सब पहचान लेती है, और इस बारे में वो उस बेटी से बात भी करती है और ऐसा जताती भी है कि वो इन चीज़ों से पहले से वाकिफ है। सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी, जो इस कहानी का बेसिक आइडिया है, कंटेंट है, थॉट है, जो राइटर हमसे शेयर करना चाहता है कि जो हो गया उसे भूल के आगे बढ़ने में ही भलाई है, और जिन चीज़ों के बारे में सोचने से कुछ हासिल ना हो उन चीज़ों के बारे में सोच कर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो बच्ची वहाँ से उठती है और चली आती है दोबारा से अपने घर की ओर, और डिसाइड करती है अब कभी भी वो उस एड्रेस के बारे में ना सोचेगी और ना ही वहाँ पर कहीं जाएगी। सो दस शी डिसाइडेड टू मूव ऑन फॉर हर न्यू लाइफ, फॉरगेटिंग एवरीथिंग हैपेंड इन द पास्ट। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी, नमस्कार।